नमस्कार, किरण्स किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ बैंगन का भरता बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बैंगन का भरता खाने में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगता है और एक बार आप मेरी तरह से इसे जरूर बनाकर टेस्ट कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि अगर घर में भी कोई भरता पसंद ना करे तो इस तरह के टेस्ट से वो इसे जरूर पसंद करने लगेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इसे बनाना। बैंगन का भरता बनाने के लिए मैंने ये दो बैंगन लिए हैं, एकदम ताजे बैंगन हैं, इसकी चमक से ही समझ में आ रहा है। इसे धोकर मैंने साफ कर लिया है और इसे अच्छे से मैंने चेक कर लिया है कि कहीं इसमें कीड़ा तो नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी छोटा सा भी होल होता है तो हमें उसे फिर कट करके फिर उसे भूनना होता है। इस पर अब मैं अच्छे से कुकिंग ऑयल लगा लूँगी, हाथ से चारों तरफ अच्छे से तेल लगा दूंगी और गैस पे वायर स्टैंड रखकर इसे भून लूँगी। तेल लगाने से इसका छिलका बहुत आसानी से उतर जाता है। मैंने दोनों बैंगन को अच्छे से भून लिया है और छिलका हटाकर इसे चम्मच से मेश करके रख लिया है। इसे बहुत आसानी से इसका भूनने से छिलका हट गया है क्योंकि हमने इसमें थोड़ा सा तेल लगा दिया था। एक बड़े साइज का टमाटर है, इसे भी मैंने बारीक कट करके रखा है। एक बड़े साइज का प्याज है, इसे भी कट कर लिया है। आधा कप मटर है, ये ऑप्शनल है फ्रेंड्स, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसे जरूर डालिए, इससे भरते का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास फ्रेश मटर ना हो तो आप फ्रेश हरे चने, आजकल आ रहे हैं मार्केट में होला जिसे हम कहते हैं, आप उसे भी डाल सकते हो तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 8 कली लहसुन की है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 3 हरी मिर्च, तीनों मैंने सब कट करके रखे हैं। धनिया पत्ती और सूखे मसाले, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर और जीरा। सबसे पहले हम अदरक और लहसुन दोनों को खलबत्ते तेल में डालकर अच्छे से कुचल लेंगे। मैंने गैस पर कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी है और उसमें 1 बड़ा चम्मच तेल डाल दिया है। तेल भी अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें 1/2 चम्मच जीरा डाल देंगे। और इसमें कटा हुआ प्याज डाल देंगे। और जो हमने मटर ली है मटर भी डाल देंगे और इसे ढक कर 2-3 मिनट हम लो मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे ताकि प्याज का कच्चापन थोड़ा सा खत्म हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा और इसी में हमारी मटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। मटर और टमाटर दोनों थोड़े थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें अदरक लहसुन का जो हमने कुचल के तैयार किया था वो और हरी मिर्च से भी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करके 2-3 मिनट इसे भी हम लो मीडियम फ्लेम पर हिलाते हुए थोड़ा सा भून लेंगे ताकि लहसुन का भी कच्चापन खत्म हो जाए। लहसुन और अदरक को भी हमने 2-3 मिनट अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें कटा हुआ टमाटर डाल देंगे और थोड़ा सा हम इसमें नमक डाल देंगे। नमक डालने से टमाटर बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। इसे अभी हम थोड़ा डाल रहे हैं, फिर हम बाद में मसाले के साथ और भी इसमें ऐड कर देंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढक कर मीडियम हाई फ्लेम पर 2-3 मिनट इसे भी अच्छे से पकने देंगे ताकि टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। टमाटर भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें सूखे मसाले डाल देते हैं। 1/3 चम्मच में इसमें हल्दी पाउडर डाल रही हूँ और मैंने इसमें 3 हरी मिर्च डाली है, इसलिए लाल मिर्च भी मैं 1/3 चम्मच ही डाल रही हूँ। अगर आपको थोड़ा सा तीखा चटपटा पसंद है तो थोड़ी सी इसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं। 1/2 चम्मच ही मैं इसमें धनिया पाउडर डाल रही हूँ। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें हम जो हमने बैंगन का छिलके पूरा पल्प लिया है उसे डाल देंगे, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
अभी हमने नमक नहीं डाला है, इसलिए अब हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डाल लेंगे। हमने टमाटर के समय भी इसमें नमक डाला था, तो अब टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें नमक ऐड कर लें। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसमें एक तिहाई चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल देंगे और थोड़ा सा धनिया पत्ती, और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढककर 2-3 मिनट लो फ्लेम पर इसको सिकने देंगे। और फिर गैस बंद करके हम अपने भरते को सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह से भरता बनाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि घर में अगर कोई बैंगन का भरता पसंद ना भी करेगा तो इस तरह का भरता एक बार टेस्ट करेंगे तो वो जरूर इसे पसंद करने लगेंगे। अब इसे ढककर 2 मिनट हम सिकने देते हैं और फिर से निकालते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने भरते को सर्विंग बाउल में निकाल लिया है। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है, बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। बस भरता बनाते समय हमें एक बात का ध्यान रखना है कि भरते में जो बैंगन का इस्तेमाल करते हैं वो हल्के वजन के होने चाहिए ताकि उसमें बीज कम रहते हैं। इसे हम रोटी, पराठा, दाल चावल सभी के साथ गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। आप भी इस स्वादिष्ट बैंगन के भरते को अपने घर पर बनाइए, फैमिली के साथ इंजॉय कीजिए। और रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।